हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक बंगाली वेब सीरीज की जिसका नाम है तानसेन तानपुरा। ये आपको हॉटस्टार ऐप पर देखने को मिल जाती है। इसमें टोटल 2 सीजन्स आ चुके हैं जिसमें ऑलमोस्ट 19 एपिसोड्स है, जिसके हर एक एपिसोड 18 मिनट से लेके 31 मिनट्स के बीच में ही है। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं, अगर आप लोग को हिंदी व्यूवर्स हो तो आपके लिए ये हिंदी में भी अवेलेबल है MX प्लेयर पर, जिसका हिंदी वर्जन नेम है तानसेन का तानपुरा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये शो रिकमेंड किया है मेरे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है तुषार। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके इस शो के बारे में बताया था। तो यार थैंक यू सो मच तुषार भाई, इसी तरह से सीरीज और मूवीज रिकमेंड करते रहो। और आप सभी लोगों को जो लोग रिकमेंड करते हैं, हालांकि डेली मुझे कुछ ना कुछ रिकमेंडेशंस आती ही रहती है, तो मैं उस पर गौर करता हूँ और कोई एक ही वीडियो में बना पाता हूँ जितनी मेरी कैपेसिटी है भाई, दूसरे लोगों का मुझे पता नहीं। बात करते इस पर्टिकुलर शो की, तो देखिए कहानी शुरू होती श्रुति और आलाप से, दोनों ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और इनका एक रॉक बैंड है जहाँ पर ये लोग कॉन्सर्ट करते हैं। फिर अब कहानी में ट्विस्ट तब आता जब आलाप श्रुति के साथ आनंदगढ़ जाता है। अब वो आनंदगढ़ क्यों जाता है, फिर वहाँ जाने के बाद कैसे एक ट्रेजर के बारे में पता चलता है, फिर उसके बाद क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये पर्टिकुलर सीरीज। खैर बात करेंगे शो के कॉन्सेप्ट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। आज से पहले मैंने इस कॉन्सेप्ट पर कोई भी शो कोई भी मूवी नहीं देखा और यही एक वजह कि इस शो को मैं यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको इंडियन क्लासिकल म्यूजिक प्लस ट्रेजर हंट, इन दोनों को मिक्स करके जो स्टोरी बताई है ना यार, फर्स्ट एपिसोड से लेके लास्ट सीजन 2 के एंड एपिसोड तक आप लोग जगह से हिलोगे नहीं और एक सेकंड के लिए भी आप इस शो से बोर नहीं होगे। उसके अलावा इस शो पे जिस तरीके से हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में हर एक चीज़ बताई, यानी कि इतना तो बताया जिससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिल जाए, उसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट्स है जो यंत्र है उनके बारे में भी कितना डिटेलिंग से बताया, प्लस अलग अलग राग के बारे में, यानी कि जो क्लासिकल सिंगिंग करते हैं उनको पता है कि अलग अलग राग क्या क्या होते हैं। यार मुझे इस पर जीरो नॉलेज थी, लेकिन यार ये शो देखने के बाद अच्छा खासा सीखने को मिला। और जो हमारी हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी इस पूरे शो में बहुत अच्छी तरह से बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बताई है जो मतलब मुझे नहीं मालूम थी। थैंक गॉड कि यार मैंने ये शो देखा। उसके अलावा शो में जिस तरीके से सस्पेंस ड्रामा ह्यूमर और म्यूज़िक डाला है ना यार, मज़ा आ गया, मतलब यार मेरा पूरी तरह से दिल खुश हो गया। और शो की सिनेमेटोग्राफी की बात करेंगे तो यार जिस तरीके से उन्होंने हर एक सीन शूट किया और जिस तरह से ड्रोन का यूज़ किया है, मतलब कोलकाता शहर इससे पहले इतना गजब का नहीं लगा मुझे, मतलब जिस एंगल से उन्होंने शूट किया। उसके अलावा जो शो में लोकेशंस बताए, चाहे आउटडोर हो या इंडोर हो, सब जगह पे सीन्स बहुत अच्छी तरह से शूट किए। शो का आर्ट डायरेक्शन भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, एक जो क्लासिकल सिंगिंग का जो माहौल होता है ना वो इस पूरे शो में बहुत अच्छी तरह से बताया। उसके अलावा जो क्लूज़ यहाँ पर बताए हैं ना यार, मैं एक भी क्लूज़ यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पा रहा था, लेकिन जितने एंगेजिंग वे में उन्होंने हर एक चीज़ों को प्रेजेंट किया, मतलब आप एक अलग जोन में खो जाते हो इस पूरे शो से रिलेटेड। उसके शो का BGM बहुत अच्छा है और मैं कह सकता हूँ कि भाई राइटिंग के अलावा अगर इस शो का कोई हीरो है तो वो इसकी म्यूज़िक और सिंगर्स। म्यूज़िक एक नंबर है और हर एक सिंगर ने इतना दिल से गाया है कि जो आप सॉन्ग सुनते हो तो आप किसी अलग ही जोन में चले जाते हो। हालांकि यहाँ पर आपको सारे सॉन्ग्स बंगाली लैंग्वेज में ही सुनने को मिलते हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि म्यूज़िक हैज़ नो लैंग्वेज, भले मुझे वर्ड समझ में नहीं आ रहे थे लेकिन एक अलग मिठास थी और क्या सुर लगा रहे थे सिंगर लोग यार, मतलब दिल खुश हो गया आज इस तरीके की म्यूज़िकल ट्रेजर हंट वाली शो देखकर। उसके अलावा अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो यार हर एक एक्टर ने अपने हिस्से के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया और जो लीड एक्टर है विक्रम चटर्जी शायद उनका नाम है, बहुत ही लाजवाब काम किया। और जब एक एक्टर एक्टिंग करता तो हम लोग वो भूल जाते कि वो एक्टिंग कर रहा है और यहाँ पर विक्रम ने वही प्रूफ किया कि ऐसा लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहा था, बल्कि हम लोग रियल कैरेक्टर को देख रहे हैं। और फिर विक्रम ही नहीं, सब लोग ने यहाँ पर अपने हिस्से के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। तो शो में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स डाले और जिस तरीके से एक डार्क थीम चलाई है ना, मतलब हर एक कैरेक्टर का वो मज़ा आता है। उसके अलावा शो में आपको काफ़ी फ्लैशबैक के सीन्स देखने को मिलते हैं पर हमें हर एक कैरेक्टर के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पता चलती कि भाई ये कैरेक्टर इसके पास्ट में ऐसा था, मतलब ये सारी चीज़ उसके साथ हुई थी, तो वो फ्लैशबैक बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा। और जिस तरीके से उसने शूट किया ना बहुत ही गजब था। शो में बताए कॉस्ट्यूम्स भी मुझे बहुत अच्छे लगे, स्पेशली जो फ्लैशबैक में जिनके जो कॉस्ट्यूम्स बताए ना वो काफ़ी कलरफुल थे, काफ़ी एक ओल्ड रेट्रो वाली फीलिंग हमें देता है इस पूरे शो में। उसके अलावा शो की एडिटिंग बहुत अच्छी है, फालतू के शो को ड्रैग नहीं किया है और ये शो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। लेकिन 3 सीन है जहाँ पर ऐसा, मतलब उसको आप लोग फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, ऐसा मतलब किसिंग सीन थी नहीं है, लेकिन वो जैसे कि पुरानी मूवीज़ में आपने देखा ना जब हनीमून है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिल रहे तो आपको पता ना क्या होता है, तो ऐसा सीन बताया लेकिन एकदम ओपनली नहीं बताया, तो उसको आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करके ये आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। और अगर शो की रेटिंग की बात करो तो मैं इसको 9/10 दूंगा। मेरे हिसाब से ये एक परफेक्ट शो है जिसका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत यूनिक लगा और उतने ही यूनिक वे में उस शो को एग्जीक्यूट भी किया है। तो यार थैंक यू सो मच मैं बोलूँगा इसके राइटर को, डायरेक्टर को, म्यूजिशियन को और पूरी टीम को जिन्होंने एक वंडरफुल एक्सपीरियंस हमारे सामने लेकर आया। तो यार
बस यार इस वीडियो में इतना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन अगर हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कुछ नहीं करना, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया हो तो। और इस चैनल पे आपको फ्रीक्वेंटली ज़्यादा वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, लेकिन जितना भी टाइम होता है मैं यूनिक कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ, करता रहूँगा। तो टिल देन